हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। टोटली सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। वैकेंसी रिलीज़ की गई है परमाणु ऊर्जा विभाग से। आपको पता है परमाणु ऊर्जा विभाग की बहुत ही सारे सेंटर हैं, बहुत ही सारे डिवीज़न हैं। अलग अलग डिवीज़न से वैकेंसीज रिलीज होती रहती है। सबसे बड़ी डिवीज़न है आपकी BARC, फिर आपका NPCL है, IGCR और ADC, कई सारे इसके डिवीज़न होते हैं। और इनमें से एक डिवीज़न है आपकी TMC, ये भी डिपार्टमेंट है आपका परमाणु ऊर्जा विभाग का। TMC यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर, यहीं से एक रिसर्च सेंटर जो कि होमी भाभा रिसर्च सेंटर, ये TMC की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है होमी भाभा। यहीं से वैकेंसीज रिलीज़ की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसीज निकाली गई है और ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है टोटली वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी रिटन बेस पे कोई भी एग्ज़ाम्स आपकी नहीं होने वाली है। एक तो और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और देखो ये सब बिना एग्ज़ाम का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर सरकारी नौकरी की रिक्रूटमेंट है। ITI टेक्नीशियन की वैकेंसीज, यानी कि टेक्नीशियन की वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा निकाली गई है। और अनेक सारी कुछ ऑफिसर्स की वैकेंसीज है और कुछ टीममेट की एंड JEE की लेवल की वैकेंसीज रिलीज की गई है। क्वालिफिकेशन देखो, ITI डिप्लोमा और डिग्रीज के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अलग अलग फेज में। सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। परमाणु ऊर्जा विभाग है तो सैलरी कम नहीं मिलती है। अब ये सरकारी नौकरी की इस बेस पे है, क्या ये परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, ये टोटली हम डिस्कस करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन वाइज। तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं, A to Z प्रोसेस जानेंगे, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन, सैलरी कितनी मिलेगी, अप्लाई कैसे करना है, वॉक इन इंटरव्यू है तो किस दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट बराबर आपको मिलते रहे। और एक बात गाइस, जितने भी ITI डिप्लोमा या फिर डिग्री हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या ट्रेड है, कौन सा ब्रांच है आपका, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन से ट्रेड के बच्चे ज़्यादा हैं और आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करें। सो ही गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाटा मेमोरियल सेंटर। वैकेंसीज है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से और मुजफ्फरपुर बिहार, जो कि यहाँ पर आपकी सिलेक्शन पोस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, ये देख सकते हैं वैकेंसी है आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे। वैकेंसी बिटवीन 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट होगी। ये वैकेंसी एक तरह की ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पार्टी के रूप में है, बट है सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट में है। ये कोई परमानेंट तो नहीं है, बट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको अच्छी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। अब देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलने वाली है। वेन्यू कहाँ पे आपको जाना है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, ये मुजफ्फरपुर बिहार। तो यार ज़्यादा दूर भी नहीं है, होपफुली नज़दीक ही है। फ़ोन नंबर दी गई है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा डिस्टेंस वाला है नहीं। और क्या क्या लेकर आपको जाना है आप यहाँ एक बार देख सकते हैं कि आपको बायोडाटा जाओ जो जो लेकर जाना, एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। बायोडाटा यानी कि रिज्यूम आपका होगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ऑल सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी। ओके, इतनी सारी चीज़ें लेकर विजिट करना है। चलिए अब देखते हैं पोस्ट। वॉक इन इंटरव्यू इसका होगा 27 जुलाई 2023 को। टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, टेक्नीशियन ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की निकाली गई है। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास प्लस ITI होनी चाहिए, ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पास आउट होनी चाहिए, जो कि 2 साल की ITI कोर्सेस होती है, विद इन 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है, याद रखना। और भी सारी चीज़ें हैं, 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ITI या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ITI प्लस NCVT इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क इन इंडस्ट्री, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या हॉस्पिटल। यानी कि अगर आपने 2 साल की ITI कोर्स किए और 1 साल NSE कर रखी हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 18 से 27 साल एज लिमिट है, इसमें 21,216 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और ये आपकी टोटल 4 वैकेंसीज है। ओके, ये ITI स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट फिर से टेक्नीशियन, ये 28 जुलाई को इंटरव्यूज़ होगा। OT and ICU यानी कि ICU जो होता है ना, इसमें 12th पास साइंस अप्लाई कर सकते हैं एंड
वन ईयर की या फिर 6 मंथ की आईसीयू या फिर ओटी इलेक्ट्रॉनिक की आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होगा प्लस 1 ईयर की रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू आपको पता है जो हॉस्पिटल में आईसीयू बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी और यही सब पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। 27 सैलरी लिमिट है, यहाँ पर भी सेम सैलरी मिलेगी, इसकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, 5 वैकेंसी। ये है 3 अगस्त की इंटरव्यूज़ के लिए टेक्नीशियन बायोमेडिकल में, डिप्लोमा चाहिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बायोमेडिकल प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकता है। 27 सैलरी लिमिट है, यहाँ पर भी सेम सैलरी मिलेगी, 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। एक और वैकेंसी है नर्सिंग सुपरवाइजर की, इसकी इंटरव्यू 3 अगस्त की होगी, इसमें जनरल नर्सिंग एफ मिडवाइफ प्लस डिप्लोमा इन ऑक्नोलॉजी में कर रखी हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, अदरवाइज बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें बिल्कुल। और इसमें 6 ईयर की क्लिनिकल है, बहुत ज़्यादा है यार क्लिनिकल एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा मांगी गई है। 35 सैलरी लिमिट है, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है 4 अगस्त को इंटरव्यू होगी मेडिकल फिजिस्ट की, और फिजिस्ट की जो इसमें रिक्रूटमेंट है एमएससी फिजिक्स होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स एनवायरमेंट जो कि एआरबी अप्रूव्ड करता है, प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस, किसमें आपका मेटल लैब होगी, C++ पाइथन में एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 35 पर एज लिमिट है, 70,000 सैलरी मिलेगी इसमें आपको, सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये सब चीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 रिक्रूटमेंट है, 2 प्रकार की और वैकेंसी, 1 7 अगस्त की इंटरव्यू होगी, 1 8 अगस्त की, ये ऑफिसर लेवल की है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स में ग्रेजुएट होनी चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा मांगी गई है पब्लिक रिलेशन में, प्लस 8 ईयर की एक्सपीरियंस, 8 साल की एक्सपीरियंस, 40 सैलरी लिमिट, 30,000 सैलरी, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, इसमें 5 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिग्री में, उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए। 35 सैलरी लिमिट है, 25,000 से लेकर 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी गाइस। तो ये वैकेंसीज रही और इतनी एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अपने अपने डेट के अनुसार इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू जो कि ऑनलाइन आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है, ये पर्पस है, ऑनलाइन आपकी हो सकती है जो देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं, इतने सारे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इस पर सेंड करनी होगी ईमेल आईडी में, सबको एक पीडीएफ बना के सिंगल पीडीएफ में सारी ओरिजिनल को स्कैन करो और इस पर सेंड कर दो। इंटरव्यूज़ आपको ऑनलाइन इस पर कंडक्ट की जा सकती है, इसके देख सकते हैं दोबारा से दी गई है कब तक आपको इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यू किस किस डेट को होगा। ओके, तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, और जो यहाँ पे जाना चाहते हैं ये वेन्यू है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, बट सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है ऑनलाइन इंटरव्यू दो, जाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, नहीं हुआ तो बेकार में पैसा वेस्ट क्यों, जाकर ऑनलाइन इंटरव्यू दो, कोई भी कहीं पे नहीं जाएगा। और इसकी अपॉइंटमेंट ज़्यादा दिन नहीं है, 6 मंथ की होगी, उसके बाद एक्सटेंड होती रहती है, हालांकि जल्दी निकालेगी नहीं, एक्सटेंड होती जाएगी। अगर आपको सूटेबल लगता है तो ही अप्लाई करें, मैं कभी ये वैकेंसीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 6 ही मंथ का टाइम इसमें मिल रहा है, और क्या है कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं, पैसा नहीं लग रहा है, आपको जॉब करना है इन फाइनेंशियली थोड़ी सी 6 मंथ के लिए, तो आराम से जा सकते हो गाइस। बाकी बात, मैं किसी को इस वैकेंसीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। होपफुली अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, जाओ ऑनलाइन इंटरव्यू दो, किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।